सहराए अरब में सरसब्ज जदीद शहर बसाने का मंसूबा दुनिया को सब्ज बाग दिखाने के मुतरादिफ क्यों लग रहा है। तरक्की एक ऐसा फितरी अमर है जिसके लिए इंसान ज़माने कदीम से सरगर्द है। यही वजह है कि गारों में रहने वाला इंसान आज तामीराती मैदान में तरक्की के अरूज को छू रहा है। दौरे जदीद में तामीर किए जाने वाले दुनिया जहान के इंफ्रास्ट्रक्चर का तसव्वुर शहरों और ट्रांसपोर्ट के बगैर नामुमकिन है। लेकिन सऊदी अरब में नियोम के मकाम पर दिलाइन एक ऐसा शहर कायम किया जा रहा है जो तहजीबी इंकलाब का एक हैरत गदा है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सूबे तबूक के सरहदी इलाके में एक मुनफरिद शहर तामीर करने का अहद किया है जिसमें गाड़ियां या सड़कें नहीं होंगी। इस शहर को दी लाइन का नाम दिया गया है जो कि सऊदी अरब के 500 अरब डॉलर्स के स्मार्ट सिटी मंसूबे नियोम जिसका ऐलान नवंबर 2017 में हुआ था का हिस्सा होगा। सऊदी अरब ने अपने वसीतर नियोम जोन प्रोजेक्ट के तहत कार्बन से पूरी तरह पाक स्मार्ट सिटी बनाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। ये शहर बहिर अहमर से मुंसलिक साहिली इलाके में तामीर किया जाएगा जो सऊदी अरब में मुस्तकबिल का एक अहम तजारती मरकज होगा जहां इंसान और उससे मुंसलिक ज़रूरियात और सहूलतों को कुदरती रंग में डूबे एक अजूबे शहर का दर्जा हासिल है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लाइन शहर तकमील के बाद 90 लाख मकीनों का मस्कन होगा और 34 मुरबा किलोमीटर अराजी पर इसकी तकमील होगी। इसके मुनफरद डिज़ाइन में आमने सामने दो हूबहू इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं जो 500 मीटर ऊंची होंगी। यहाँ के मकीनों को 5 मिनट की वॉक के बाद लाइन में तमाम सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। इसके अलावा अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम होगा जिससे 20 मिनट में सफ़र तय किया जाएगा। इस शहर में फितरत को तरक्की पर तरजीह दी गई है जो नियोम की 95% ज़मीन के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियोम में मस्नूई बारिश, मस्नूई चांद, रिबोटिक मुलाजिम और होलोग्राफिक असातज़ा भी रिहायशियों के लिए दस्तयाब होंगे जबकि यहां काश्तकारी की जा सकेगी। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तामीर किया जाएगा। सऊदी अरब का ये नया शहर दिलाइन 200 मीटर चौड़ा, 170 किलोमीटर लंबा और सतह समुंदर से 500 मीटर ऊंचा होगा। इसकी मिसाली आबोहवा पूरे साल इस बात को यकीनी बनाएगी कि रिहायशी घूमते या चहलकदमी करते वक्त इर्द गिर्द के फितरी माहौल से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ये शहर सऊदी अरब के शुमाल मगरबी सूबे तबूक में साहिल के आसपास तकरीबन 26,500 मुरबा किलोमीटर रकबे पर आबाद होने वाला पूरी तरह से नया शहर होगा और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 500 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। ये शहर ऐसे सरहदी इलाके में बनाया जा रहा है जो सऊदी अरब को उर्दन और मिस्र से मिलाता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान 2017 में किया था। इस सिलसिले में ये अहद किया गया था कि इस मंसूबे में एक जदीदतर शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाएगी। नियोम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 3,80,000 नए रोज़गार के मौके पैदा होंगे और सऊदी अरब की मजमूई पैदावार में 2030 तक इससे तकरीबन 180 अरब रियाल का इजाफा होगा। इसके ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने की तवक्को की जा रही है ताकि मईशत से तेल की बरामदात का इन्हिसार कम किया जा सके। वाजह रहे कि सऊदी अरब तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ताहम आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले ममालिक में भी इसका शुमार होता है।